लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर छह सात महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी और हमें पता है कैसे दबाया जाता है क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं उस दर्द से हम गुजरे हैं उस लड़ाई से हम दो साल से गुजर रहे हैं कैसे दबाया जाता है और कैसे दबवाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूं कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है अगर आपको यह लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो ये सब गलत है तो मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हु आपको एक फोन कॉल की जरूरत है बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे हम आपकी लड़ाई हर आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई हम लड़ेंगे आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे तो मैं सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूं आपके माध्यम से ये जो 50 परसेंट जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है ये महिलाओं की इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूली हम लड़ेंगे रोशनी जायसवाल हो चाहे खिलाड़ी हो चाहे जो हरियाणा की जो बेटियां हैं संदीप सिंह का केस आपको पता है आज आज भी वो बेटी को दबाने के लिए उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था पूर्व में उनके आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम एक महीना आवाज उठा के चुप हो जाए उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है लेकिन लड़ाई अभी जारी है लड़ाई जारी रहेगी हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं उनको सजा नहीं मिल जाती है हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे